हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। होप लगा चुके मैं आपके दोस्त सोए दख्ता लेके आया हूँ आप लोग ले और एक नए वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले टॉप 6 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर्स फिल्म के बारे में, जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल देखने को मिलेगा हिंदी में। ये फिल्म देखने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है। इस टॉप 6 में साउथ की ऐसी खतरनाक एंड गाइस दमदार फिल्म है जो आपको एंड तक देखने में मजबूर कर देगा। ये सारे फिल्म इतना बेहतर है कि 8+ IMDb रेटिंग डिजर्व करता है। एक्शन थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी फिल्म जो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये सारे फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा टाइट है, जो आपके माइंड को हिला के रख देगा। इसमें से सबसे अच्छी बात है कि आपको सारे फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल देखने में मिलेगा हिंदी में। एंड तक वॉच करने, एक भी फिल्म मिस मत करना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। बात करते हैं नंबर 6 फिल्म के बारे में। नंबर 6 में जो फिल्म आता है उसका नाम है एजेंट साई। ये 2019 में रिलीज हुआ तेलुगु लैंग्वेज की एक कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में आपको नवीन पॉलिसेट्टी, श्रुति शर्मा के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो ये एक सिनू नाम की डिटेक्टिव की कहानी है। ये कुछ अतरंगी सा डिटेक्टिव था। जब एक हादसे के दौरान ट्रेन के पास कुछ लाश देखने को मिला, तब सिनू की जिंदगी कुछ अलग ही मोड़ ले लिया था, क्योंकि उसने ट्रेन के पास मिले हुए लाश का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी टर्न और ट्विस्ट देखने को मिला वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। आप भी अगर देखेंगे तो आपको एंड तक देखने में मजबूर कर देगा। सो गाइस आपने अगर इस फिल्म को मिस कर दे तो आप जाइए फिल्म को देखिए, अनऑफिशियली आपको यूट्यूब पे हिंदी भी देखने को मिलेगा। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो 8.4 आउट ऑफ 10 है। एंड गाइस गूगल यूजर्स के द्वारा ये फिल्म 91% बंदों ने पसंद किया था। अबे तू है कौन? FBI एजेंट, LIC एजेंट हो। अब बात करते हैं नंबर 5 फिल्म के बारे में। नंबर 5 में जो फिल्म आता है उसका नाम है विक्रम वेदा। ये 2017 में रिलीज हुआ तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो विजय सेतुपति, आर बर्मन, श्रद्धा श्रीनाथ के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। इस फिल्म की कहानी विक्रम वेदा से इंस्पायर है। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म में एक इंस्पेक्टर विक्रम एंड गैस गुंडा बेताल की कहानी। इंस्पेक्टर विक्रम की टारगेट है किसी कीमत पे उसको वेदा को चाहिए। वेदा एक नेगेटिव रोल है एंड गैस विक्रम उसको पकड़ना चाहता है, और विक्रम जितने बार भी वेदा को पकड़ता है उसको उलझा के रख देता है। विक्रम को पास्ट की कहानी याद दिलाकर उसको गुमराह कर देता है। बट एंड में जो ट्विस्ट है कहानी का काफी ज्यादा शॉकिंग, जो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप इस मूवी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस मूवी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा हिंदी में अनऑफिशियली। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो 8.4 आउट ऑफ 10 है। 94% गूगल यूजर्स के द्वारा ये फिल्म पसंद किया गया था। अब बात करते हैं नंबर 4 फिल्म के बारे में। नंबर 4 में जो फिल्म आता है उसका नाम है कैथी। 2019 में रिलीज हुआ तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये लोकी यूनिवर्स की एक पार्ट है जो विक्रम से रिलेट करता है। लोकेश कनकराज की डायरेक्ट किया फिल्म काफी ज्यादा एक्शन से भरपूर है, जिसमें आपको कार्थी अर्जुन के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। ये फिल्म की कहानी ड्रग से रिलेटेड है। ये एक रात की ही कहानी है। इसमें दिखाया गया है कार्थी एक कैदी था जो जेल से छूटने के बाद अपने बेटी से मिलने जाता है, और एक बाप उसकी बेटी से मिलने के लिए कितना हद तक जा सकता है फिल्म में काफी सही वे में दिखाया गया है। आप इस मूवी को अगर देखेंगे तो आपको एंड तक देखने में मजबूर कर देगा। एक्शन से भरपूर ये फिल्म काफी ज्यादा शॉकिंग है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा टाइट है। फिल्म का हर एक सीन काफी ज्यादा बेहतर है, जो आपको एंड तक देखने में मजबूर कर देगा। आपने अगर इस फिल्म को मिस कर दिया तो आप इस मूवी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर फिल्म है। यूट्यूब पे आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिलेगा। और बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो 8.5 आउट ऑफ 10 है। एंड गाइस गूगल यूजर्स के द्वारा ये फिल्म 92% लोगों ने पसंद किया है। बात करते हैं नंबर 3 फिल्म के बारे में। नंबर 3 में जो फिल्म आता है उसका नाम है थडाम। ये 2019 में रिलीज हुआ एक एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसमें आपको अरुण, विजय, तानिया होप के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो ये फिल्म दो जुड़वा भाई की कहानी है। बट वो जुड़वा भाई एक दूसरे को बहुत ही नफरत करते हैं, जो आपस की जान भी ले सकता है। और फिल्म का जो स्टोरी है आपका माइंड को हिला के रख देगा। लिटरली गाइस आपको फिल्म को एंड तक देखने में मजबूर कर देगा। तो इस फिल्म को आप मिस मत करना, आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो 8.2 आउट ऑफ 10 है। एंड गाइस 94% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। आप इस मूवी से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस मूवी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के साथ आपको यूट्यूब पे अनऑफिशियली देखने को मिलेगा। देर की इस बात की, जाइए फिल्म को देखिए। बात करते हैं नंबर 2 फिल्म के बारे में। नंबर 2 में जो फिल्म आता है उसका नाम है दादागिरी 2। ये 2017 में रिलीज हुआ तमिल लैंग्वेज की एक्शन सस्पेंस क्राइम फिल्म है, और इस फिल्म का तमिल वर्जन का नाम है मनागरम। और इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो संदीप किशन, रगीना कसंगरन, लोकेश कनकराज के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो ये फिल्म 4 लोग के ऊपर बेस्ड है, जो अपना किस्मत आसमाने के लिए चेन्नई शहर में आता है। अब चेन्नई शहर में आके 4 लोग कैसे मिले, अब इन 4 लोगों का बाद में क्या होता है, वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। तो आप इस मूवी से थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते तो
आप इस मूवी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिलेगा ये फिल्म। और बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो 8.2 आउट ऑफ 10 है। 94% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। अब बात करते हैं नंबर वन फिल्म के बारे में। नंबर वन जो फिल्म आता है उसका नाम है मैं हूँ धंधाकारी। 2018 में रिलीज हुआ तमिल लैंग्वेज की एक सस्पेंस क्राइम फिल्म। फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रत्नासंस नाम से रिलीज किया गया था। बात करें इसमें कास्ट की तो विष्णु, विशाल, अमला, पॉल, अम्मू, अभिमारी के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। बात करें इसमें कहानी की तो ये फिल्म में अरुण एक डायरेक्टर बनना चाहता था, बट वो अपने पिता के मौत के बाद अपना सपना छोड़ के एक पुलिस अधिकारी बन जाता है। और इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त मोड तब देखने को मिलता है जब अरुण एक ऐसे साइको किलर का पता लगता है जो स्कूल के लड़कियों को किडनैप करता है। इसके बाद फिल्म का जो सस्पेंस है, जो फिल्म का कहानी वो काफी ज्यादा बढ़िया है। 2 घंटा 50 मिनट का फिल्म है जो आपको एक समय भी बोरिंग फील नहीं होने देगा। फिल्म आपको एंड तक देखने में मजबूर कर देगा। तो किसी ने अगर ये मास्टरपीस मूवी को मिस कर दिया तो जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिलेगा। बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो 8.5 आउट ऑफ 10 है। 94% गूगल यूजर्स के द्वारा ये फिल्म पसंद किया गया था। यही था टॉप 6 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर हिंदी डबेड मूवीज। मुझे कमेंट करके जरूर बताना इनमें से कौन सा फिल्म आप लोग देखने पसंद करोगे। कमेंट करके ये भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय। क्या बात है, जाली बहुत इधर नजरों पहचान वाली, यानी दोस्त कम लड़के सिर्फ खानदानी, यानी वो जो जान मारे ना के वो जो कान भरे, यानी वो जो साथ खड़े।